नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉफी केम टू इंडिया वेल बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों के पहले हमारे देश के अंदर में हिंदुस्तान में कॉफी आ गई थी थ्रू एन इंडियन सूफी संत नेम बाबा बुदान। एक बाबा बुदान करके संत थे, उनके थ्रू इंडिया में कॉफी ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले आई थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉफी बीन्स फ्रॉम यमन बाय बाबा बुदान टू द हिल्स ऑफ चिकमुलगर कर्नाटका इन 1617। कर्नाटका के चिकमंगलूर करका जो गांव है कर्नाटका में, वहां 1670 में कॉफी पहली बार आई थी, और वो कॉफी आई थी बाबा बुदान के थ्रू। आप जानते होंगे, आप में से बहुत से लोग ये चीज़ जानते नहीं, हम में से बहुत से लोग यही जानते हैं कि कॉफ़ी पुर्तगीज या अंग्रेज जब आए हमारे देश के अंदर में, तब कॉफ़ी हमारे देश में आई है, और अंग्रेजों ने कॉफ़ी के साथ साथ चाय को भी इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे देश के अंदर में, और चाय हम समान गरीब लोगों के लिए उन्होंने चाय रख दी थी, और कॉफ़ी अमीर लोगों का शौक बन गया था, अमीर लोगों की पहचान बन गई थी। आज भी आप देखोगे कॉफ़ी की पहचान एक अमीर लोगों की है, एक बड़े ऑफिसर्स बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग लेते होते हैं, CEO CFO कंपनी के डायरेक्टर हो गए, या किसी स्टेट दो तीन स्टेट के हेड होते, रीजनल मैनेजर्स होते, ये सब कॉफ़ी पीते। एक स्टेटस का सिंबल भी बन चुका है, और ये अंग्रेजों के ज़माने से चालू आ रहा है कि कॉफ़ी एक स्टेटस का सिंबल बना हुआ था। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर शरद देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। आप जिस चैनल पे आए हुए उस चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। आज मैं आपको कॉफ़ी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। कॉफ़ी एक ऐसा दुनिया का लोकप्रिय पेय है कि ये इस पेय के अंदर में कई आश्चर्यकारक गुण हैं, बहुत सारे आश्चर्यकारक गुण हैं, और ये गुण अंग्रेजों ने हमसे छुपा के रखे थे। जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में, तब इन्होंने हमसे ये सब चीज़ें छुपा के रखी थी, और इन्होंने हमको चाय पिलाना चालू किया था। उसके पहले हम लोग ना चाय पीते थे ना कॉफ़ी पीते थे, हम लोग तो हमारा जो घर का दूध होता है इसी तरह से हम पीते थे, लेकिन जब से अंग्रेज आए तब से हम लोगों ने चाय पीना शुरू किया, और कॉफ़ी अंग्रेजों ने खुद पीते थे। कॉफ़ी के जो गुण थे वो गुण हम लोगों से छुपा के रखे थे। कॉफ़ी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय है, और यह किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। वास्तव में दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग भी खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा जिनकी जीवन होता है उम्र में, अगर बात करें 90 साल 100 साल 120 साल तक भी जीवन लोग जीते हैं, तो वो जो जीवन जीते उन लोगों को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, उनमें से कुछ लोगों ने कहा है हमको ऊर्जा बना रखने के लिए कॉफ़ी सबसे अच्छा हमारा पसंदीदा पेय है, जिसके कारण हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। कॉफ़ी सिर्फ एक पेय नहीं है जो लोगों को सुबह बिस्तर से उठाती है। जिस तरह से हम बिस्तर से उठते हैं उस तरह से, और चाय लगती है या कॉफ़ी लगती है, तो कॉफ़ी सिर्फ उतना ही काम नहीं करता लोगों को बिस्तर से उठाने का। कॉफ़ी स्वास्थ्य लाभों में भी भरपूर है, जिसमें तत्काल ऊर्जा बढ़ाने से लेकर दीर्घकालीन रोगों की रोकथाम और बीमारियों में प्रबंधन भी कर सकती है। कॉफ़ी सिर्फ एक उत्तेजक पेय नहीं है, यानी नींद से जागने के बाद कॉफ़ी पिया, रिलैक्स फील किया, और उतना ही काम कॉफ़ी नहीं करता। कॉफ़ी के अंदर में स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ भी हैं, जिसमें तत्काल ऊर्जा बढ़ाना, तुरंत हमको ऊर्जा आती शरीर के अंदर में, दीर्घकालीन जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम भी करता है, और कई बीमारियों के प्रबंधन में भी काम आती है। कॉफ़ी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए सबसे अच्छा पेय है, और एंटी एजिंग के लाभ उठाने के लिए ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए। आपको लगता है आपकी उम्र बढ़ रही है, चेहरे से दिख रहा है, तो आपको कॉफ़ी पीना चालू कर देना चाहिए। कॉफ़ी आपके चेहरे की जो एजिंग है उनको कम करता है, यानी एंटी एजिंग की तरफ लेके जाता है, डी एजिंग की तरफ नहीं लेके जाता। डी एजिंग के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट अलग से है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, तो एंटी एजिंग की ओर ले जाता है। और एंटी एजिंग के लाभ अगर आपको उठाना है तो आपको ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पीना चाहिए। अब जो हमारा कॉफ़ी आता है वो वर्ल्ड का बेस्ट अरेबिका कॉफ़ी, आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना, सबसे अच्छा कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी माना जाता है, और अरेबिका कॉफ़ी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। अरेबिका कॉफ़ी अभी आपने देखा होगा जो शार्क टैंक के जो शो हो रहे थे, उसके अंदर भी एक बच्चे ने एक स्टार्टअप चालू किया है, उसके अंदर भी उन्होंने अरेबिका कॉफ़ी का ही यूज़ किया हुआ है। तो इम्प्रूव
क्या करता है, पहला हेल्थ बेनिफिट है इंप्रूव्स कॉग्निशन। कॉफी कैफीन के साथ मस्तिष्क को उत्तेजित करके आपके मानसिक ध्यान को तेज करने और ध्यान बढ़ाने में मदद करता है, हमारे मस्तिष्क का मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल भी रखता है। उसके बाद होता है प्रिवेंट अल्जाइमर एंड डिमेंशिया। अल्जाइमर और डिमेंशिया नामक की एक बीमारी होती है बुजुर्ग लोगों में, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग नियमित एक से दो कॉफी पीते हैं, रोज एक से दो कॉफी पीते हैं, उनमें अल्जाइमर और डिमेंशिया विकसित होने की संभावना 65% कम होती है। जो बुजुर्ग लोग, हमारी कॉफी में बात करूँ स्पेशली, वो पियेंगे अरेबिका कॉफी 100% ओरिजिनल अरेबिका कॉफी, तो उनके अंदर में अल्जाइमर और डिमेंशिया होने के जो चांसेस है वो 65% कम हो जाएंगे। उसके बाद लोअर रिस्क ऑफ पार्किंसंस की भी बीमारी के बारे में आप जानते होंगे। कॉफी का नियमित सेवन पार्किंसंस के रोग से प्रभावित लोगों की संभावनाएं को कम करने में मदद करता है। शोध बताता है कि कैफीन का तंत्रिका तंत्र पर सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है, जो अंततः बीमारी को रोकने में मदद करता है। कैफीन के कारण, जो कॉफी में कैफीन होता है उसके कारण लोअर रिस्क ऑफ पार्किंसन डिजीज होता है अगर आप कॉफी का सेवन करते हैं। वेट लॉस, आज हर कोई चाहता है मेरा वेट लॉस हो, वजन घटाने चाहते हैं लोग, तो वजन घटाने के लिए भी कॉफी लोगों को घूमने फिरने आप एनर्जी बूस्ट करती है। जब आप एनर्जी आएंगे आपके शरीर के अंदर तो आप घूमने लगोगे, सक्रिय होने और तेजी से कैलोरी बर्न करने के लिए उत्साहित करती है। अगर आप हमारी कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी आपको घूमने के लिए उत्तेजित करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो कैलोरीज है वो तेजी से बर्न करने के लिए भी उत्साहित करती है। कैफीन की उत्तेजक प्रकृति शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म को 11% तेज करती है। हमारे अगर हम कॉफ़ी पीते तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो 11% बढ़ जाता है और कैलोरी बर्निंग को बढ़ावा देता है। जब चयापचय मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाता है तब हमारी कैलोरी बर्न होना चालू होती है। इम्प्रूव हार्ट हेल्थ 5वां बेनिफिट है। शोध से, रिसेंट स्टडी से यह पता चला है कि नियमित रूप से कॉफ़ी पीने वालों को स्ट्रोक होने का खतरा कम हो जाता है। अभी आजकल हार्ट अटैक 30-35 के एज में भी बच्चों को आने लग गया है, उन लोगों के लिए भी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। अगर आप कॉफ़ी पीते, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना है, एक से दो कप कॉफ़ी पीना है, अच्छी कॉफ़ी, मिक्स कॉफ़ी, बाहर की कॉफ़ी नहीं पीना है आपको, अरेबिका सामान अच्छी कॉफ़ी पीना है। अरेबिका कॉफ़ी आप पीते हैं तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएँ भी कम हो जाती है। प्रिवेंट डायबिटीज़, उसके बाद डायबिटीज़ आज पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा चुका है, क्योंकि डायबिटीज़ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो अध्ययनों से ये पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से कॉफ़ी का सेवन करते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ या मधुमेह विकसित होने की संभावनाएं 50% कम हो जाती है। जो लोग रोज कॉफ़ी पीते उनके अंदर में टाइप 2 डायबिटीज़, नोट कर लो, प्रॉब्लम आप लोगों का ये आप नोट नहीं करते चीज़ों को और हमेशा क्वेश्चन करते कि इससे क्या होगा, रिएक्ट करते आप लोग, और रिएक्शन के कारण आप एक्शन नहीं ले पाते, आप सिर्फ भरोसा करते कि किसी और ने कहा तो ये गलत कह रहा है करके, आप विश्वास ही नहीं करना चाहते सामने वाला आदमी आपको क्या बताना चाह रहा है। विश्वास तो करना पड़ेगा ना, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, विश्वास तो करो एक चीज पर। पूरी दुनिया आपसे झूठ नहीं बोल सकती ना, एक आदमी ने आपसे झूठ बोला इसका मतलब ये नहीं है कि 99 आदमी आपसे झूठ बोलेंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास कब होगा, जब आप इसको कंज्यूम करेंगे, जब आप एक कॉफी लेंगे, तब आपको समझ में आएंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स। तो कॉफी पीने से जो हमारे देश में सबसे बड़ा खतरा है डायबिटीज़ 2 भी बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ 2 को कम करने का काम या 25-50% विकसित नहीं होने की संभावनाएं कम हो जाती है, संभावनाएं विकसित ही नहीं होने देगा 25-50% अगर आप रोज अरेबिका कॉफ़ी एक से दो कप रोज कंज्यूम कर रहे तो। इसमें मौजूद पोषक तत्व रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करते जिससे आप स्वस्थ रहते।
कॉफी के अंदर में जो गुण है वो क्या करते हैं, आपके शर्करा के अंदर रक्त में जो शर्करा है उसको कम करने में मदद करते हैं, इसीलिए आप स्वस्थ रहते हैं और डायबिटीज से भी दूर रहते हैं। उसके बाद होता है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, चयापचय। कॉफी में पाए जाने वाले विटामिन बी, कॉफी में एक विटामिन बी पाया जाता है जो महत्वपूर्ण स्तर, महत्वपूर्ण विटामिन होता है। स्तर का मतलब है कि यह हमारी चयापचय दक्षता को अनुकूलित करने और हार्मोन के स्तर को संतुलित बनाए रखने और शरीर को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करता है। जो विटामिन बी पाया जाता है कॉफी के अंदर में वो हमारे चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की दक्षता को अनुकूलित करने और हार्मोन जो हमारे शरीर के हार्मोन्स होते हैं उनके स्तर को संतुलित बनाए रखने और शरीर को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करता है। उसके बाद होता है प्रिवेंट कैंसर, कैंसर समान बीमारी से भी आज हमारे देश में लाखों हजारों लोग लड़ रहे, कैंसर कब डिटेक्ट हो जाता है कब निकलता है ये पता ही नहीं चलता शरीर के अंदर में कब से कैंसर है और कब सामने आ जाता है। तो शोध में ये पता चला है कि कॉफ़ी न पीने वालों की तुलना में कॉफ़ी पीने वालों में कैंसर का खतरा 43% कम होता है। एक शोध में ये पता चला है कि जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते उनकी तुलना में, उनको हम कंपेयर करते हैं कॉफ़ी पीने वालों से, तो कॉफ़ी पीने वाले जो लोग रोज़ कॉफ़ी पीते हैं उनमें कैंसर होने का खतरा 43% कम होता है। प्रोटेक्ट्स लीवर, लीवर बहुत बड़े बड़े ऑर्गन्स पे काम करती है कॉफ़ी, हमारी लीवर को भी प्रोटेक्ट करती है। कॉफ़ी के सेवन से लीवर का स्वास्थ्य अच्छा रखता है, विशेष रूप से सिरोसिस करके क्या है बताता हूँ आपको आगे, हेपेटाइटिस और फैटी लीवर के रोग की रोकथाम में काम करता है। अगर आप हमारी कॉफ़ी रोज पीते हैं, एक दो कप तीन कप ज़्यादा नहीं पीना है आपको, तो आपका लीवर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विशेष रूप से सिरोसिस हेपेटाइटिस और फैटी लीवर रोग की रोकथाम करेगा। एक स्टडी में पता चला है कि कॉफ़ी के नियमित सेवन से लीवर में सिरोसिस होने की संभावनाएं 80% कम हो जाती है। सिरोसिस यानी जो लोग रोज दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं उन लोगों के लीवर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसको सिरोसिस करके नाम से जाना जाता है, जो बीमारी हो जाती है उसमें भी काम करती है कॉफ़ी। रिड्यूस डिप्रेशन, आज के इस भागदौड़ के अंदर में, तनावपूर्ण जीवन के अंदर में डिप्रेशन भी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि डिप्रेशन आज एक छोटे लड़के को 12 साल 15 साल 16 साल के लड़का भी डिप्रेशन में चला जाता है, लड़की भी चली जाती है, तो डिप्रेशन अभी कॉमन हो चुका है। तो डिप्रेशन, कॉफ़ी के प्राकृतिक प्रभाव डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के लिए चमत्कार से कम नहीं है। कॉफ़ी के अंदर में जो प्राकृतिक प्रभाव है डिप्रेशन के लिए चमत्कार से कम नहीं है। डिप्रेशन से पीड़ित जो व्यक्ति है, जो डिप्रेस्ड है, उसने अगर कॉफ़ी पीना चालू किया, अच्छी कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, मार्केट की कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, अगर कॉफ़ी अरेबिका पीना चालू कर दिया तो उसको चमत्कार से कम नहीं है डिप्रेशन में उसके लिए। यह आत्महत्या की प्रवृत्ति की कमी से भी जुड़ा हुआ है। बहुत से लोगों को डिप्रेशन में सुसाइड करने का जो इच्छा होती है उस इच्छा को भी ये कम करता है। यह मूड को हल्का करता है, जो हमारा मूड है उसको हल्का करता है और तनाव में राहत देता है, हमारे डिप्रेशन में हमको राहत देता है, जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, आपका जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज 11वां पॉइंट है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इसीलिए हमें दुनिया भर के आहार में एक स्वस्थ पेय माना जाता है। कॉफ़ी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट विपुल प्रमाण में होता है, इतना होता है इसीलिए दुनिया भर के लोग कॉफ़ी को एक अच्छा पेय मानते हैं। अध्ययनों से जो स्टडीज हुई है उससे यह भी पता चला है कि इसमें फलों और सब्जियों से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हम बोलते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट खाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट पाने के लिए फल और सब्जियां खाओ, तो फलों और सब्जियां से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट कॉफ़ी में पाया जाता है। तो आज से कॉफ़ी चालू करना चाहिए, एक दो कप तो कॉफ़ी हम पी सकते हैं।
रिड्यूस मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर को कम करता है, लाइफ बढ़ाता है आदमी की, हमारी लाइफ को बड़ा करता है, इसलिए रिड्यूस मॉर्टेलिटी बहुत बड़ा पॉइंट है ये, रिड्यूस मॉर्टेलिटी। कॉफी काफी हद तक लंबी उम्र से जुड़ी है क्योंकि इसमें कई कोरोनरी रोगों की जोखिम को कम करने की क्षमता है। अब कॉफी लंबी उम्र से क्यों जुड़ा हुआ है, यानी मॉर्टेलिटी से क्यों जुड़ा हुआ है, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, रिड्यूसेस मॉर्टेलिटी जो बोलते हैं हम कॉफी पीने से, वो इस कारण होता है कि कॉफी काफी हद तक लंबी उम्र से जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें कई कोरोनरी रोगों के जोखिम को कम करने की क्षमता है। यह हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और कई गंभीर समस्याओं को बचाता है, इसीलिए आपको कॉफ़ी पीना चाहिए। और कॉफ़ी ऐसी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए जो मार्केट के अंदर में 1 रुपये 2 रुपये सैचेट के अंदर अवेलेबल है आपके पास में। कॉफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी आपको पीना होगा। मार्केट के अंदर में जो कॉफ़ी अवेलेबल है उस कॉफ़ी से आपको फायदे नहीं होंगे, उल्टा नुकसान ही होने वाले उसके अंदर में, क्योंकि उसके अंदर आप शुगर डालकर भी ज़्यादा पीने वाले हो। हमारे पास जो कॉफ़ी आती है 2 टाइप की आती है, एक ब्लैक कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी मिक्स आती है, अरेबिका मिक्स। तो आपको सिर्फ गर्म पानी में डालना है और पीना है। एक तो ब्लैक कॉफ़ी तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विदाउट शुगर पीजिए, शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड कॉफ़ी है उसके अंदर भी आपको शुगर और मिल्क डालने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर भी प्लांट बेस्ड शुगर डाला हुआ है और जो मिल्क है वो भी उसके अंदर से भी फैट निकला हुआ है, तो दोनों आपके शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। तो आज से ही चालू कीजिए कॉफ़ी पीना, बहुत सारे बेनिफिट्स है कॉफ़ी के ऊपर में। और एक स्कीम भी चालू है, आज अगर आप ऑर्डर करते हो हमारा कॉफ़ी मिक्स अरेबिका, तो आपको उसके ऊपर में 2 पाउच मास्क के 2 पाउच है ना, उसके अंदर में 2 पाउच इट मीन्स 20 रहेंगे उसके अंदर में, वो फ्री मिलेंगे। डेली मास्क जिसको हम कहते हैं गार्नियर सामान, वो 100 रुपये का एक मास्क आता है उसके अंदर में, तो 2000 रुपये का आपको हमारे कॉफ़ी के ऊपर में एक बॉक्स कॉफ़ी अगर आप ऑर्डर करते हो तो उसके ऊपर में आपको फ्री मिलने वाला है, फ्री, टोटली फ्री, 2000 रुपये की वैल्यू आपको फ्री मिलने वाली। आप सोचिए 125 पाउचेस आते हैं हमारे कॉफ़ी के अंदर में, 125 दिन, अगर आप दिन में दो भी कॉफ़ी पीते हो तो 50 दिन पकड़ लो, तो मैं 60 दिन, लगभग 60 दिन आपको चलने वाला है। और इतनी सुंदर टेस्ट है, साथ ही साथ आपके शरीर को बहुत सारे फायदे भी पहुँचाती है। तो राह मत देखिए, किसी को पूछिए मत, आप जिसको भी पूछते हो वो सामने वाला आपको क्या जवाब देता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सामने वाले के पूछ कर जब डिसीजन लेते हो तो सही डिसीजन पे पहुंचते नहीं। भगवान ने आपको मौका दिया हुआ है, भगवान आपको हमेशा मौका देता है, लेकिन उस मौके को किस तरह से फ़ायदे में बदलना ये आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुरंत चालू कीजिए कॉफ़ी, और इतने सारे लाभ है कॉफ़ी के, एक बार लाभ गिना देता हूँ आपको, मोटा मोटा सिर्फ नाम गिना देता हूँ। पहला होता है आपको इम्प्रूव कॉग्निशन, प्रिवेंट अल्जाइमर एंड डिमेंशिया, उसके बाद होता है लोअर रिस्क ऑफ पार्किंसन डिजीज, उसके बाद वेट लॉस, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, प्रिवेंट डायबिटीज, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट कैंसर, प्रोटेक्ट्स लिवर, रिड्यूसेस डिप्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और रिड्यूसेस मोर्टेलिटी। तो आप तुरंत ऑर्डर कीजिए कॉफ़ी, किसी की सलाह मत देखिए सर, लोगों की सुन सुन के तो अपने आधी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है हम लोगों की, और कितना लोगों का सुनना, कम से कम अपने दिल की तो सुनिए, दिल की सुनकर एक बार ऑर्डर कीजिएगा और डेफिनेटली आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। 100% प्योर अरेबिका कॉफ़ी है। तो जाते जाते मेरा नाम बोलूँगा, समीर शरद देशकर मेरे चैनल का नाम है, जिस चैनल पे आप आए हुए, समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर, मेरा नंबर है 9325398926। तो इतना ही कहूँगा, प्लीज़ ऑर्डर कीजिए, एक बार चखिए ये कॉफ़ी जो अंग्रेज़ों ने अपने खुद के लिए रखी थी, हमारे साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, इसके जो लाभ है बहुत लाभ है। आज से ही चालू कीजिए, इन लाभों को अपनाओ कॉफ़ी, और इन लाभों को पाओ और अपना जीवन स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाओ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।